डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, आज मैं आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री यशस्वी सेंट्रल स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस स्कीम में जो बच्चे पिछली बार परीक्षा पास किए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 31 जनवरी 2023 तक अवश्य करा लें, ताकि 15-2 2023 यानी 15 फरवरी 2023 तक विद्यालय इसको सत्यापित कर दे। विद्यालय यहाँ से अगर सत्यापित कर देगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका सत्यापन नहीं होगा, सीधे स्टेट लेवल पर इसका सत्यापन किया जाएगा जो 15 तारीख के बाद हो जाएगा अपने आप। लेकिन जब आप 31 जनवरी 2023 तक फॉर्म को फिल करेंगे तभी जाकर उस फॉर्म को 15 फरवरी तक विद्यालय सत्यापित कर पाएगा। इस स्कीम का पूरा नाम पीएम यशस्वी सेंट्रल स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट। ये स्कीम ओबीसी के लिए है, ईबीसी के लिए और डीएनटी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या एग्ज़ाम देने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या क्लेम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओबीसी तो आप जानते ही हैं अदर बैकवर्ड क्लास होता है, ईबीसी भी क्या होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे इस फॉर्म को स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तथा डीएनटी का मतलब है डी नोटिफाइड ट्राइब, ऐसे घुमंतू ट्राइब, ऐसे घुमंतू आदिवासी जो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको यह स्कॉलरशिप भरने के लिए है, वो इस स्कॉलरशिप को भरकर और इस स्कीम के तहत ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तीन प्रकार के स्टूडेंट इसको भरेंगे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या इकोनॉमिकल बैकवर्ड या डीएनटी डी नोटिफाइड ट्राइब्स, वही इस स्कीम को भर सकते हैं। इसमें आपको सरकार ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस तथा अन्य तरह की फीस को देगी, जिसमें क्लास 9 से लेकर 10 तक पर एनम 75,000 रुपीज़ प्राप्त होगा, तथा 11 और 12 के बच्चों के लिए 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 रुपीज़ पर एनम सरकार देगी। लेकिन इसमें उन्हीं को मिलेगा जो बच्चे इस स्कॉलरशिप को पास किए हैं, एग्ज़ाम जिन्होंने पास किया है। इसमें 30% गर्ल्स का रिजर्वेशन है, जितने भी बच्चे भरेंगे उसमें 30% गर्ल्स को यह स्कॉलरशिप मिलना अनिवार्य है, 30% गर्ल्स को यह स्कॉलरशिप मिलेगी। यह स्कीम इस स्कीम को भरने के लिए लास्ट डेट है 31 जनवरी 2023। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यदि आपने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर किसी भी प्रकार की अन्य स्कॉलरशिप को फिल किया है तो आप इस स्कॉलरशिप को नहीं भर सकते हैं। जैसे आपने माइनॉरिटी का भरा है या आपने डिसेबिलिटी का कोई स्कॉलरशिप इसमें डाला है या NMMS का स्कॉलरशिप आप डाले हैं या अन्य किसी प्रकार के स्कॉलरशिप आप भर चुके हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वही स्टूडेंट इसको अप्लाई करें जो अन्य स्कॉलरशिप को नेशनल स्कॉलरशिप यानी NSP पर कोई और स्कॉलरशिप को नहीं भरे हैं। इसका लास्ट डेट 31 जनवरी है, 15 फरवरी तक स्कूल या इंस्टीट्यूट इसका सत्यापन करेगा, इसको ओबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड और डीएनटी डी नोटिफाइड ट्राइब भी भरेंगे। इसमें सरकार ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस तथा अन्य फीस को देगी जो 9 से लेकर 12 तक होगा, 9-12 को 75,000 और आगे जब बढ़ेगा तो उसको वह
स्कॉलरशिप अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो में आज के वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ कि यदि कोई अन्य स्कॉलरशिप आप NSP पर फिल किए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट इस कोई स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप राज्य स्कॉलरशिप के अलावा यदि उसने नेशनल स्कॉलरशिप पर कोई फॉर्म फिल किया है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। जो फ्रेश है, जो नहीं किए हैं कहीं अप्लाई, वो इस फॉर्म को फिल करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।